संजय जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, प्रेस के बारे में बता दीजिए। प्रेस का जो है, तो कल मैं जैसे आया था तो वो गुरुजी प्रसाद मिश्रा जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके फाइनल में मैं अभी चीफ गेस्ट आया था, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भी जो टूर्नामेंट है वो, उस टूर्नामेंट को हम अब टैलेंट सर्च के नाम पर ले गए, क्योंकि वो अगर टूर्नामेंट आगे चलेगा, यानी टूर्नामेंट होते रहे, वो टूर्नामेंट नहीं है, वो 14 से 17 साल तक के बच्चों का एक टैलेंट सर्च होगा, और उस टैलेंट सर्च से हम बच्चों को, हम टीम बनाएंगे और टीम बना के बच्चों का ट्रायल करेंगे और उसके बाद टूर्नामेंट कराएंगे, उसके बाद 20 या 25 बच्चे साथ के उनको कोचिंग देंगे, जिसमें आनंद क्रिकेट अकेडमी के साथ वो बच्चे जुड़ेंगे। और यही है कि सबसे बड़ी बात यही है कि मैं जो मिश्रा जी हैं, तो इनके मेरे अच्छे मित्र हैं, तो इन्होंने बुलाया, और फिर डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने मुझे 5 साल से दिल्ली में टूर्नामेंट कराते रहे, तो उस टूर्नामेंट से मेरे काफ़ी अच्छे बच्चे जैसे उन्मुखचंद, नीतीश राणा, मंजोर कालरा, ये सारे लड़के उस टूर्नामेंट से 5 साल से खेलते गए। ये बच्चे कहाँ के होंगे और कहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी? ये बच्चे सारे ही पूर्वांचल के होंगे, कोई भी बच्चा आएगा उसका पूरा ट्रायल लिया जाएगा, उस ट्रायल पे आप लोगों को मैं अभी गाइड बता रहा हूँ कि किस तरह से क्या है। दिल्ली में या बम्बई में जितनी भी अकेडमीज है उसमें 80-90% बच्चे पूर्वांचल के हैं। वो क्या है कि वो बच्चे जुनून से जाते हैं और 2 साल खराब करके वो वापिस आ जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है, उनको बस ये है कि यहाँ अपना ट्रेन में बैठना, वहां जाना, पैसा खर्च करना। तो मेरे पास बलिया से, मिर्जापुर से, आजमगढ़ से हर रोज 4-5-6 बच्चे पहुंचते हैं। मैं उनको यही कहता हूं कि जब तक आप डिस्ट्रिक्ट नहीं खेलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो जो उन बच्चों के लिए ही कर रहे हैं कि जो पूर्वांचल के जो बच्चे हैं वो वहां ना जाएं, दिल्ली या किसी बड़े शहर में ना जाएं, उनके लिए यही एक फैसिलिटीज दे दें और उस फैसिलिटीज से हम बच्चों को आगे निकालें। और मैं ये कहता हूं कि अगर डॉक्टर साहब हैं, आनंद जी हैं और मेरे साथ जितने भी बड़े बड़े लोग बैठे हैं, अगर ये सब लोग मिलके हमें 5 साल ये टैलेंट सर्च प्रोग्राम कर देंगे, तो आप 6ठे साल हमारा जो बच्चे होंगे तो यही पूर्वांचल से बच्चे, कोई आईपीएल खेल रहा होगा, कोई हिंदुस्तान खेल रहा होगा, पर उसमें ये है कि हमें इन सब महानुभावों का सहयोग चाहिए और बाबा का आशीर्वाद चाहिए उसी की।